त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बड़ा गहमा गहमी का माहौल रहा और फिलहाल सभी ग्राम पंचायतों ने अपने अपने प्रतिनिधि चुन लिए हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर ब्लॉक के गांव कमालपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं शानू प्रधान जी। शानू प्रधान जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ कि दोबारा आप इस गाँव के प्रतिनिधि चुने गए हैं। थोड़ा सा आप कहिए पहले गाँव वालों के लिए कुछ। हमें दोबारा गाँव से प्रधान बनाने के लिए मैं अपने सभी ग्रामवासियों का समर्थन करने के लिए और साथ देने के लिए और वोट करने के लिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या वजह रही है कि दोबारा, हमने ये भी सुना कि इस गांव के अंदर, क्योंकि हमने गांव वालों से भी बातचीत की है, दोबारा से जैसे कंटिन्यू आप दोबारा प्रधान बने हैं, गैप देकर तो प्रधान बने हैं, मगर आपको दोबारा प्रधान चुना, क्या वजह रही है? वजह सबसे बड़ी यही रही कि हमने गाँव में विकास कार्य किए हैं। क्या क्या विकास कार्य किए, थोड़ा ये भी बता दें। हमने सबसे पहले तो अपने गांव की जो गांव की सड़क की खस्ता हालत थी, 20-25 साल से सड़क नहीं बनी थी, सड़क बनवाई। स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी, कुड़ियों के ढेर लगे रहते थे, ना चारदीवारी थी। स्कूल बनवाया, स्कूल की चारदीवारी वगैरह कराई और एक नई बिल्डिंग बनवाई स्कूल के अंदर, दो क्लास और बरामदे वगैरह की, जिसका उद्घाटन भी कराया हमने सीडो साहब से। दो गाँव में हमने पंचायत घर बनवाई हैं अपने कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में। पेड़ पौधे लगवाए हैं, बेंचें बिछवाई हैं, जो भी गांव की जगह। स्वास्थ्य केंद्र भी है? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है इस बार, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे स्वास्थ्य केंद्र की भी। पंचायत भवन की अगर हम बात करते हैं तो हमने सैकड़ों गांव का जिस तरीके से दौरा किया था पंचायती चुनाव के दौरान, तो उस दौरान हमने देखा कि पंचायत भवन एक भी गांव में, हमें बहुत सारे गाँव में ऐसे थे कि एक भी पंचायती भवन नहीं था। पंचायत भवन नहीं होगा तो उसमें पंचायत कहाँ से होगी, और ये बात हमने बार बार उसमें रिपीट भी की थी। और पंचायत भवन का जो महत्व है, गाँव के लिए सबसे बड़ा महत्व होता है, पंचायत भवन होता है उसमें पंचायत की जाती है और गांव वालों को जो है जो योजनाएं शहर से निकलती हैं उन योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाता है, बताया जाता है। फिलहाल आपने दो दो यहां पंचायत भवन बनवा दिए, साथ में अब बात अगर करते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर कि स्वास्थ्य केंद्र यहां पे होना चाहिए, तो जल्द से जल्द आप इसकी कोशिश करेंगे? सीडो साहब से हमारी बात हुई थी अभी 2-3 महीने पहले जब आए थे, तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बने, इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी कोशिश करेंगे और बनवाएंगे। अभी हमें पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए पुरस्कार दिए हैं गांव के विकास कार्य के लिए, तो अब आगे का एजेंडा क्या क्या रहा है ये? उस पैसे से अभी अगले महीने हम इंशाल्लाह सबसे पहले एक लाइब्रेरी बनवाएंगे और एक पार्क बनाना है हम औरतों के लिए, जिसमें एक ओपन जिम भी होगा, जैसा हमारे बुलंदशहर में मलका पार्क है उसी तरह का, और एक हमें अपने गाँव का गेट बनाना है गांव के बिल्कुल मेन, बिल्कुल मेन रास्ते पर रास्ता। वो भी बनेगा नहीं, ये तो बात अगर शिक्षा विभाग को लेकर करते हैं तो वाकई आपने अगर देखा जाए तो आपने गांव का जो स्कूल है, हमने पहले भी आए थे उसको देखा था, एक कूड़ी के ढेर पर वो रखा हुआ था, उसके बाद में हमने उसके जब हालात देखे तो वाकई तारीफ़ काबिल हैं। फिलहाल अगर हम बात करते हैं लड़कियों के स्कूल के लेकर, जो बेटियाँ हैं वो हमारी शहर में जाती हैं, दूर जाती हैं, उसको लेकर क्या करना होगा? बेटियों के स्कूल के लिए हमारी जो कोशिश थी लगभग पूरी हो चुकी है, इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द हम एक इंटर कॉलेज के उसमें लगे हुए हैं, जहाँ पे इज्तिमा भी हुआ था हमारा, वहाँ पे ग्राम सभा की जगह है हमारी, तो वहाँ पर हम एक इंशाल्लाह इंटर कॉलेज बनाएंगे लड़कियों का। आगे का और क्या एजेंडा रहेगा, थोड़ा सा और बताएं? सबसे बड़े एजेंडे तो हमारे यही हैं जो हमने अभी बताए हैं, गेट बनाना है, पार्क बनाना है, लाइब्रेरी बनानी है, अब हमारा जो प्राइमरी स्कूल है उसे जूनियर स्कूल कराना है, शिक्षा पे ध्यान देनी है, और जो थोड़ी बहुत गली खरंजे रह गए हैं इनका काम कराना है। वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादा कोई काम रहा नहीं है, वो कराना है, एक हम कोशिश में लगे हुए हैं, हमने लाइन पास भी करा दी है, हम अपनी 11,000 की लाइन अलग कराना चाह रहे हैं अकबरपुर से, तो हम 11,000 की लाइन लगाएंगे, हम हमारे जो नए ट्रांसफार्मर है वो इधर लग जाएंगे, तो जो आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं उससे हमारे गाँव का बचाव हो जाएगा। एक दो सड़कें हैं आपके, जैसे नहर वाली सड़क की अगर हम बात करते हैं तो वो सड़क अभी तक जो है जर्जर पड़ी हुई है, कोशिश कीजिए उसको भी। नहर वाली सड़क का वादा हमसे सीडो साहब ने किया है कि आप मुझे लिख कर देना, इसकी जिम्मेदारी है मेरी है, मैं बनवाऊंगा, तो अब हम चुनाव जीत गए हैं, अब हम दोबारा 2-4 दिन बाद सीडो साहब के पास जाएंगे टाइम लेकर, तो हमें उम्मीद है कि सीडो साहब इस काम को करा देंगे। हमारे ग्रामीण यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है सर आपका? जुबैर आलम। जुबैर आलम जी, क्या कहेंगे शानू प्रधान जी के बारे में? भाई ये जो काम करता है उसके लिए सब दुआ करते हैं, और इसीलिए जीत गया कि काम इन्हें अच्छे करें 5 साल, और 5 साल आगे को भी और अच्छे करें। क्या वाकई जनता के बीच में ये हमेशा बने रहे? ना, सदा बने रहे, बने रहे हैं। कोटा सही बांटता, पहले प्रधान कहते 3 महीने में एक बार बांटते थे, ये हर महीने पर कोटा बांटता गरीबों को,
किसी के गरीब आदमी का कोटे, मतलब जहाँ जब कोटा बढ़ता है तो उस दौरान ये साथ बैठ कर बैठवाते हैं, साथ बैठते हैं सबके वो लगवाते हैं। अक्सर तो शिकायत ये रहती है कोटेदारों की कि भाई वो कम तोल के देते हैं। नहीं नहीं, यहाँ कोई शिकायत नहीं है। पहले 3 महीने में एक बार बढ़ता था, 3-4 महीने बांटते थे प्रधान लोग सब खाते थे, अब हर महीने बढ़ता सही बढ़ता। अच्छा एक बात और आपसे हम पूछना चाहेंगे, पुराने हैं आप जैसे, आपके गाँव के अंदर जिस तरीके से दोबारा प्रधान बने हैं, इस तरीके से कोई और भी प्रधान बने? नहीं, इससे पहले कोई नहीं बना। गैप देकर बने तो कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए बने। और वाकई बात भी सही है, हमने जिस तरीके से गाँव का कई बार दौरा भी किया है और गाँव की यहाँ खबरें भी कई बार हमने चलाई हैं, हमें एक बार भी इस तरीके की कोई कमी दिखाई नहीं दी। उस दौरान अगर कहीं कोई कमी दिखाई देती है, अक्सर आप लोगों ने जो मेरे दर्शक हैं उन्होंने देखा भी होगा कि मैं उस कमी को भी दिखाता हूँ। और जहाँ जो तारीफ़ काबिल काम कर रहे हैं प्रधान, जो ग्राम प्रधान हैं, उनको मैंने तारीफ़ का ही काम दिखाया है। चलिए और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम सर? मेरा नाम दिलशाद खान, हाजी दिलशाद। हाँ। वैसे मुझे मोंटू से जानते हैं। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा, जैसे शानू प्रधान जी हैं, युवा हैं एकदम, गांव के लिए जो है पहले भी अच्छा काम किया, आगे क्या उम्मीदें हैं इनसे? इनसे उम्मीदें जितनी हमारी पहले थी और इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही हमारी उम्मीदें हैं अब। जैसे कि प्रधान जी ने कहा कि हमें लाइब्रेरी बनानी है, पार्क बनाना है, और जो गलियाँ हमारी रह गई हैं उनको भी हम बनाएंगे। और जो भी दिक्कतें गांव के अंदर हैं, छोटी बड़ी, सब जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बस की, जो हमारे प्रधान जी के बस की, वो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और कोई भी काम पब्लिक के हिसाब से हमारा होता, हम उसको भी ज़रूर करेंगे। और पहले से भी ज़्यादा हम काम करने की उम्मीद में हैं, और इंशाल्लाह पब्लिक ने हमें जिताया भी है इस वजह से। खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है शानू प्रधान जी के घर पर। और एक और यहाँ पर साहब आ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हारिस। हारिस जी आप बताइए थोड़ा सा कि वाकई जो शानू प्रधान हैं, जिस तरीके से इन्होंने जो काम कराए, अच्छे काम कराए, ये हमने भी देखा है, अब आगे उम्मीद इनसे क्या जताई जा रही है? जिस तरीके से बता रहे हैं कि हम पार्क बनवाएंगे, स्कूल, डिग्री कॉलेज यहाँ पर ले आएंगे लड़कियों के लिए, और जो है बच्चों को खेलने का जो है मैदान बनवाएंगे, तो क्या वाकई खड़े उतर पाएंगे? जी बिल्कुल, ये खड़े उतर पाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जिस प्राइमरी स्कूल में वोट जो है हमारे गांव की डली है, 2% लोगों ने जब वोट डालने के लिए गए तो वहीं पर भी अपना मन बदला जो है उस स्कूल की हालत का देख करके, कि पहले क्या था। अब क्योंकि गांव के लोगों को बहुत से लोगों कई कई साल में जाने का मौका मिलता, तो उन्होंने वहाँ पर 2% लोग, मैं कह सकता हूँ, जो स्कूल को देख करके ही वोट अपना बदल दिया वहाँ पर जो। अच्छा एक बात बताइए, अक्सर हमने बहुत सारे प्रधानों का जो है इंटरव्यू किया, ठीक है, ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई है और आपने भी शायद देखी होगी, अक्सर ग्राम प्रधान जीतने से पहले वायदे करते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मगर ये पहला ग्राम प्रधान है जो जीतने के बाद में वादे कर रहा है कि मैं ये करवाऊंगा गांव के लिए, तो ये देखो जो जीत पहले करते हैं वो तो सब झूठे वादे होते हैं, जो कि पहले के हम ये करा देंगे, जीत जाते फिर आदमी को जो है अपना वो सब भूल जाता है, तो वादा वही होता है जो पहले जीतो उसके बाद में वादा बात कराया जाए, क्योंकि जब जीत जाएगा और बन जाएगा तभी तो काम करा सकता है, और जब पहले वादा कर दो अगर नहीं बने तो मैं तो वही वादा समझता हूँ जीतने के बाद करा गया वो पक्का वादा होता है। बहुत लोगों को वादे करते देखा है और जीतते भी देखा, उन लोगों को जीत भी जाते हैं मगर उसके बाद में वो गायब अक्सर हो जाते हैं, जनता के बीच में नहीं रह पाते हैं, जनता उनको ढूंढती फिरती है और वो लोग मिस्टर इंडिया बन चुके होते हैं। सर आपसे ही बात करें, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद जी। साजिद जी थोड़ा सा बता दीजिए शानू जी, पहले भी काम करे हैं अब भी करेंगे, अच्छा ही काम करा इसी वजह से दोबारा प्रधान बने, पब्लिक ने दोबारा जब जनता के बीच में रहते हैं। हाँ जनता के खाली एक तो ये हो गया कि भाई ये गांव का अच्छे विकास करवाए इन्होंने, गांव में और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, क्या उनको निपटाने के लिए कोई काम किया? हाँ कोशिश करते हैं थाने चौकी के कोई, हाँ थाने चौकी में साथ जाते हैं, पूरा कोशिश करते हैं, ज़्यादातर फैसले करवाए या क्या करवाए? फैसले करवाते हैं ज़्यादातर, फैसले फैसले करवाते हैं। तो वाकई गाँव के अंदर इस तरीके का ही ग्राम प्रधान चाहिए, जो हमारा सरपंच है वो कम से कम ऐसा हो जो ग्रामीणों के बारे में सोचे, गांव के विकास के बारे में सोचे, ताकि जब मेरा गांव बदलेगा तो मेरा शहर बदलेगा, और जब मेरा शहर बदलेगा तो मेरा देश बदलेगा। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहील खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहां पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है, कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिये रोग का इलाज भी किया जाता है, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है बीएन कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार,
हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91 गाँव चंदेरू दहली रोड बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, वे डायलिसिस डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी मामन रोड बुलंदशहर। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। आइए ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट दिल्ली रोड भूड़ बुलंदशहर। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और